हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जोहार। रिकू चिकू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। उठो उठो उठो, आज बड़ा लेट तक हम लोग सो रहे हैं क्योंकि छोटू गया है आज दादी के घर और हम लोग आज दो कोई सोए हैं अपने बिस्तर में। पहले चलो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। हम लोग बाहर आ गए हैं, ये देखिए बाहर पूरा सुबह हो गया। सूरज उग रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लगाया है घर के सामने। इधर मेरा घर आधा अधूरा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अभी इस घर पे रहती हूँ और इधर भी मैंने कुछ कुछ लगा करके रखा हुआ है। यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा है, मैं इसमें भी कभी कभार खाना बना लेती हूँ। उठ करके अपना साइकिल में खेल रहा है, ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो। एक किलो बना देती हूँ और अभी नाश्ता भी बना देती हूँ। कुछ नाश्ता क्या बनाऊँ, नाश्ता मैं थोड़ा मैगी बना देती हूँ, मैगी खाएगा। और नाश्ते में मैं वो हलवा बना देती हूँ जिसे वो लेकर के जाएगा। आज मैं इसके लिए लंच में ले जाने के लिए हमारा सरकारी हलवा जो आंगनबाड़ी से मिलता है, बस मैं इसे ही बनाऊंगी। अभी फटाक से बना देती हूँ, फिर लेट हो जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी, थोड़ा डालूंगी। इसमें पहले से सारा कुछ होता है तो इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ। उसके बाद ये घी मेरा गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी। सिर्फ थोड़ा सा ही बनाऊंगी उसको लंच में ले जाने के लिए। ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स काट करके ले लिया है उसमें डालने के लिए। ये देखिए मेरा ये हो गया। बस इसको हल्का ब्राउन होने तक के लिए ये हो गया है। अब मैं इसमें ये सारा ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और फिर मैं एक गिलास पानी डालूंगी। एक गिलास में इसको थोड़ा कम, इसे मैं रिकू को लंच में दूंगी, उपमा और उत्तपम। अरे वो हमारा डिश नहीं है, वो झारखंडी डिश नहीं है। वो तो मुझे बनाना भी नहीं आता। वो तो मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा था और फिर मैं इसके लंच के लिए बना के भेज देती थी। एक आध दो बार भेजी हूँ, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है ना। नहीं तो बस वही पराठा सब्जी यही सब, मैगी नूडल्स ये सब लेना स्कूल पे अलाउ नहीं है, तो मैं इससे मैगी नूडल्स वगैरह नहीं भेजती हूँ। बस लंच और घर का बना हुआ ही भेजना है, जैसे हलवा हो गया, रोटी हो गया। उपमा, उत्तपम, फुल्का, ढोकला, डोसा, इडली, बस रिकू का लंच रेडी हो चुका है। मैंने उसे लंच बॉक्स पे डाल दिया। अब मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लूंगी, उसके बाद मैं दूसरा कुछ काम करूंगी। मेरा चाय हो गया, मैं चाय निकालती हूँ। अरे मैंने तो ये
यहाँ पे धूप आ गया है तो मैं यहाँ पे धूप में आकर के चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी रिकू को तैयार करने। मैं भी चाय पी ली, अब रिकू भी नाश्ता कर लिया। अब मैं इसे रेडी कर देती हूँ फटाक फटाक से। क्या रेडी करूँगी, इसको कपड़ा पहनाने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। कभी ये करो कभी वो करो, सही से सीधा एक तो खड़ा नहीं रहता है, ऊपर से उल्टा पलटा इधर उधर होते रहता है। तो मैं इसे रेडी कर देती हूँ, ये रेडी हो जाएगा फिर इसे मैं आज स्कूल छोड़ने जाऊँगी, मतलब स्कूल नहीं जाऊँगी, बस रोड तक जाऊँगी, उसके बाद छोड़ करके आऊँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। अभी मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। फाइनली अब ये रेडी हो चुका है, अब इसे भेजती हूँ। रेडी हो गया, चलो निकलो बाहर, अपना बैग पहले रेडी कर लो। तो बस आ गया, बाबू जा रहा है। बाय बाय रिकू, बाय।